हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोर टू आईआईटी। और अभी अभी जस्ट थोड़े मिनट पहले ही मुझे एक कमेंट आया कि सर ट्रिपल आईटी जबलपुर उसमें राउंड वन में ओपनिंग जो रैंक था वो था 7,000 के आसपास, और जबकि वो कट ऑफ बढ़ना चाहिए था ना, 7,000 से रैंक 10,000 जाना चाहिए था या 8,000 जाना चाहिए था या फिर एटलीस्ट उतना ही रहना चाहिए था, लेकिन कट ऑफ इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो चुका है, रैंक कम हुआ है। ठीक है, वो देखते हैं, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। पहले तो क्या बात हो मैं कर रहा हूँ, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। देखो तो मैंने ये ओपन कर दिया, यहाँ पे मैं चला गया राउंड वन पे। ठीक है, राउंड वन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना राउंड वन। देन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ट्रिपल आई टी, कूल। देन मैंने सिलेक्ट कर दिया ट्रिपल आई टी जबलपुर चाहिए हमें, तो वो हो गया ट्रिपल आई टी जबलपुर, ये रहा। ठीक है, ओके। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं CSA डिपार्टमेंट का, तो वो भी मैंने सिलेक्ट कर दिया, और देन आई विल प्रेस सबमिट। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे पहली ही लाइन में देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI ओपन जेंडर न्यूट्रल, ओपनिंग रैंक है 7871 से 13373, मतलब ये रेंज आप याद रख लो 7871 से लेके 13373। ठीक है, ये रैंक है। अब जब हम सेकेंड राउंड में जाते हैं तब क्या होता है कि भैया इससे जो कम मतलब कि जिसका रैंक 8,000 होगा उसको शायद तक मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने लिया था वो शायद तक कहीं आगे अप्लाई करेंगे, फ्लोट करेंगे या कैंसिल करेंगे, तभी क्या होता है कि जो कम रैंक वाले हैं उनको भी कट ऑफ मिल सकता है। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। अब मैं ये राउंड वन का है, आप याद रख लो इसको। ठीक है, 7871 13373। ओके, अब इसको मैं जाता हूँ राउंड टू में। राउंड टू में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वंस अगेन ट्रिपल आई टी, और देन आई विल सिलेक्ट ट्रिपल आई टी जबलपुर। जस्ट अ सेकेंड, ट्रिपल आई टी जबलपुर हो गया, एंड देन आई विल सिलेक्ट हमारी ब्रांच CSE। ठीक है, और उसके बाद मैंने प्रेस कर दिया सबमिट बटन। तो अब जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तब मुझे क्या दिख रहा है, आप देखो हमें दिख रहा है कि जेंडर न्यूट्रल में अब रैंक क्या है, ये देखो 4118 से 13707। अब ये थोड़ा है ना, ये दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग थिंग। ठीक है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि या तो शायद तक आपका रैंक उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमने IIT बॉम्बे में देखा था, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कि रैंक IIT बॉम्बे का फर्स्ट और सेकंड राउंड का सेम रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओपनिंग रैंक कम हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज और है कि हम चॉइस फिलिंग तो चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, हमें वो भी पता है हम चॉइस फिलिंग चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज कर सकते तो हम ऐसा समझ लेते कि चलो शायद तक बीच में किसी ने डाल दिया हो। ठीक है, शायद तक बीच में किसी ने फिर से डाल दिया हो अपना मूड चेंज करके, तो उसको मिल गया हो, लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये हो रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? हम देख सकते हैं क्लोजिंग रैंक भी आगे बढ़ा है, तो ये क्यों हुआ है? मतलब ये बहुत कम होता है। तो यहाँ पर मुझे एक ही चीज़ लग रही है, एक पहलू हो सकता है यहाँ पे, वो है कि सपोज के मेरा रैंक था 4,000, माई रैंक इज 4,000। ठीक है, मेरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो यहाँ है 4118 वो मेरा रैंक है। अब मुझे पहले राउंड में ट्रिपल आई टी जबलपुर मिल गया, लेकिन व्हाट आई डिसाइड कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं ये सीट नहीं लूँगा, मैंने फ़ी पेमेंट नहीं की, और मैंने डिसाइड किया कि मैं उस टाइम पे वो सीट नहीं लूँगा। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि नेक्स्ट राउंड में जो मिलेगा उसको मैं शायद तक ले लूँ, मैंने उस टाइम पे वो सीट नहीं ली। ठीक है, तब क्या हो सकता है, और फिर से सेकेंड राउंड में भी मुझे वही सीट मिली, और तब अगर जाके मैं वो सीट लूँ, ठीक है, अगर तब जाके मैं वो सीट लूँ तब मुझे शायद तक तब ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, मैंने सेकेंड राउंड में ले लिया, फर्स्ट राउंड में मैंने वो सीट नहीं ली थी। ठीक है, फर्स्ट राउंड में मैंने वो सीट नहीं ली, और सेकेंड राउंड में मैंने जाके सोचा कि चलो अब आगे मिलना है, नहीं मिल रहा है, यही मिल रहा है, तो अभी के लिए मैं यही सीट ले लेता हूँ, फिर मैं कुछ और सिलेक्ट कर दूंगा। तब मुझे ये सीट मिल गई, मतलब कि यहाँ ओपनिंग रैंक ज़्यादा वाला दिख रहा है अभी आपको। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, वरना आप ही सोचो कि जिसका रैंक कम था अगर उसने चॉइस डाल रखी थी तो उसको तो फर्स्ट राउंड में मिल जाना चाहिए था ना, उसको सेकंड राउंड में क्यों मिलता? ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है। उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी अगर आपको पता चल रही हो तो मुझे ज़रूर से बताना, क्योंकि ये मेरे लिए भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि ऐसी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो यही होता है कि आपने क्या बोलते हैं कि कि एक यही चीज़ हो सकती है कि मैंने बोला वो, और उसके अलावा एक और चीज़ मुझे अभी भी ख्याल आया कि शायद तक
शायद तक स्लाइड ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया हो, लेकिन स्लाइड ऑप्शन में भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्लाइड ऑप्शन भी होता तो भी क्या होता, स्लाइड ऑप्शन में क्या है कि सेम कॉलेज रहता और मेरी आगे वाली चॉइस में मुझे मिल सकता, लेकिन अगर आगे आगे ही है ये चॉइस तो मुझे वैसे ही नॉर्मली मिल जाता ना, स्लाइड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे भी कोई और ख्याल नहीं आ रहा है, शायद तक एक ये तरीका हो सकता है कि मैं उस टाइम मैंने वो सीट नहीं ली फर्स्ट राउंड में और मैं जाके सेकेंड राउंड में वो सीट ले रहा हूँ, तब जाके शायद तक ये मुझे मिल सकता है, और यही एक कंक्लूजन हो सकता है शायद। और मे बी दूसरा रीज़न हम वो बोल सकते हैं कि ये डाटा रॉन्ग है, ठीक है, मे बी यहाँ पे कुछ अलग डाटा होगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, हम वो मान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो ज़रूर से कमेंट करिएगा और सबको बताइएगा कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।